अप्रैल पर पुतिन लेने वाले हैं बड़ा फैसला। मॉस्को समेत रूस के अहम शहरों में लग सकता है मार्शल लॉ। 3 लाख महिलाओं समेत 20 लाख लोगों को एकजुट किया जाएगा। 20 लाख लोगों को सेना के अलावा फैक्ट्री खदानों में भेजा जाएगा। तो देखिए बड़ी स्ट्रेटेजी है, मॉस्को समेत रूस के अहम शहरों में ये निर्देश जारी किया गया। 3 लाख महिलाओं समेत 20 लाख लोगों को एकजुट करने की बात है। देखिए रूस पर ब्रिटिश मीडिया का ये दावा है, यानी एक बार फिर से ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आई है रूस को लेकर के। 20 लाख लोगों को सेना के अलावा फैक्ट्री खदानों में भेजा जाएगा, ब्रिटिश मीडिया ने रूस को लेकर के ये बड़ा दावा किया है। अब इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर रूस में क्या वाकई में मार्शल लॉ लगेगा, और अगर लगेगा तो इसके पीछे की वजह क्या है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे बिग बॉल के जरिए। देखिए पुतिन की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है और 2024 से पहले पद छोड़ेंगे, ये ब्रिटिश मीडिया का दावा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द ये जंग जीतना बहुत जरूरी हो गया है पुतिन के लिए। पद छोड़ने से पहले रूस को मजबूत बनाना चाहते हैं पुतिन, और इसलिए मार्शल लॉ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से रूस की हालत बेहद खस्ता हो गई है, बेहद खराब हो गई है। ब्रिटिश मीडिया में आगे ये भी कहा गया है यूक्रेन पर आक्रामक रुख अपनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे जानकारी क्या, मार्शल लॉ लगाकर लोगों को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो क्या अब मार्शल लॉ लग जाएगा रूस में, पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा है मार्शल लॉ। मेजर जनरल SVP सिंह सर, आपके पास मैं आऊंगी। क्या ये ब्रिटिश मीडिया ने जो खबर फैलाई है कि पुतिन बीमार भी रहते हैं और साथ ही अब बहुत जल्दी वो कुर्सी भी छोड़ने वाले हैं, इसलिए जंग जीतना बहुत जरूरी हो गया है, और कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाएगा, 20 लाख लोगों की नई भर्ती होगी, ब्रिटिश मीडिया के इन दावों पर कितना दम और कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? अंजलि देखें, जब से यह लड़ाई शुरू हुई है वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन चलती रही है। पहले पुतिन को उन्होंने बीमार किया, शुरू में कैंसर पेशेंट भी बताया, अभी उन्होंने फिर से उसको बताया है। क्यों? ब्रिटेन को तो अपने आप को संभालना चाहिए इस समय, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी सरकार एक थिन रेड लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है इनका इंफॉर्मेशन जो है ये भड़काने के लिए है। और दूसरा, आपने मार्शल लॉ का जो बोला, देखिए रूस में तो एक तरह का डिक्टेटरशिप जो चल रही है मार्शल लॉ के बराबर ही होता है, और जो अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने 3 लाख मोबिलाइजेशन और रिजर्विस किया है, और आखिरी खबर जो मेरे पास है कि 70,000 और रिजर्विस का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं रूस में।